कोविड की वजह से अभी इस टाइम मार्केट बिल्कुल डाउन है, 2,300-3,000 तक जाती है इसकी रेंज। तो चाइना का खेल तो खत्म होने वाला है। क्रेज जो है अभी किसी का भी नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ कोरोना का है। 290 की 290 490, पब्लिक नज़र नहीं आ रही, कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हैं। 2,000 रुपये बिके हुए हैं, 2,000 बस एक गाड़ी बेची है जी, बस 60 रुपये की बेची है। 60 रुपये की क्या बात है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी 2 महीने बाद खुली है, पब्लिक भी अभी नहीं आ रही। सर काम कहाँ से होगा जब बॉर्डर ही सील है, कस्टमर कहाँ से आएगा? सबसे सर 450 की है, 450 सस्ती भी है इसमें, ये 350 की है, बिल्कुल वो नहीं, इतना बुरा। इन्होंने जो चांदनी चौक में मौजूद हूँ, बड़ी मार्केट में से आती है, इतना तो नहीं है, थोड़ा बोला। यानी 2 महीने के बाद जो हालात बने हुए वो भी बता रहा हूँ। अच्छा तो क्या 2 महीने में घड़ी रुक गई थी आपकी? लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक मार्केट में मौजूद हूँ। ये आपकी फ्रिक्शन वाली कार होती है, ये 60 रुपीज़ की रेंज में होती है। सुबह से खाली बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है अभी। ये क्या है? 550 लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ आसपास जितनी भी मार्केट्स हैं, वो चाहे खिलौना मार्केट हो, घड़ी मार्केट हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आइटम्स हो, या फिर कपड़ा मार्केट हो, वो सब यहाँ पर थोक मार्केट्स हैं। और यहाँ का कारोबार लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, खरबों में होता है और भरपूर होता है। पब्लिक क्या आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, वजह क्या रही है? जाहिर सी बात है कि 2 महीने के बाद दुकानें खुली हैं, क्या दिक्कत रही है? पब्लिक जो दुकानदार हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या क्या सामान रखा है, क्या क्या असर पड़ रहा है इकनॉमी पर, वो सारी बातें आज हम लोग करेंगे। लेकिन इसके अलावा बता दें जो भगीरथ पैलेस है उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि लगातार मार्केट खुलने के बाद लगातार जो कोविड 19 केसेज हैं, जो कोरोना केसेज हैं, वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे थे। अब अंदर चलते हैं, यानी मेरे लेफ्ट में जो मार्केट आपको नज़र आएगी, ये इसके पीछे ठीक खिलौना मार्केट है और घड़ी मार्केट है, अभी तो बंद हो रही है। इसके पीछे कितनी दुकानें खुली हैं, बंद हैं, जो भी हालात हैं, जैसे भी हैं, अंदर जाके देखेंगे, समझेंगे। आइए अंदर चलते हैं। चांदनी चौक में मौजूद हूँ, बड़ी मार्केट में से आती है, और होलसेल मार्केट यहाँ पर अलग अलग है, खिलौने की भी है, घड़ी की भी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं, सब अलग अलग होलसेल मार्केट्स हैं। अंदर जाएंगे तो कपड़ों वपड़ों की मार्केट है। सर बहरहाल हम लोग बात करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, खिलौना मार्केट और घड़ी मार्केट। पब्लिक नज़र नहीं आ रही, कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हैं। लोगों से पूछेंगे, लोगों क्या लोग मिलेंगे तो पूछेंगे, ख़रीदार कम हैं और जो बेचने वाले वो ज़्यादा हैं। देखिए वॉचेज़ हैं, वॉचेज़ का एक अपना अपना क्रेज़ है। क्यों दोस्त, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ रीतम भाई। अच्छा बताइए क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स तो अभी बिल्कुल नहीं है कुछ खास ऐसा। शून्य बिल्कुल। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोविड की वजह से अभी इस टाइम मार्केट बिल्कुल डाउन है। इस टाइम जो वॉचेस जो है वो एक नेसेसिटी गुड्स के अंदर नहीं आती है, तो इस वजह से जो बेसिक आइटम है, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गए, इनकी थोड़ी डिमांड इस टाइम ज़्यादा है। वॉचेस अच्छा, का क्योंकि नेसेसिटी में नहीं है, तो इसलिए अभी इसकी डिमांड बिल्कुल ही डिमांड जीरो के बराबर है। चलो यार आप घड़ी की दुकान पर आएंगे तो कुछ रेट वेट भी बता दो इनके, क्या क्या है? अभी यही 500, 600, 750। अच्छा, इनको इन क्या रही है? जनरली ये सब कितने की देखिए? ये वही 500-400 जैसे रेंज है इसकी, 2,000-3,000 तक जाती है इसकी रेंज। अच्छा ये अगर बात करिए जो बड़ा डाइल है ये पिंक कलर की, ये कितने की होगी? 550 की रेंज है, 560 की। ये थोक रेट के ऊपर इतनी ज़्यादा है जबकि बाहर से काफ़ी कम रेट होते हैं? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा सा थोड़ी फिनिशिंग अच्छी होती है, थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है वॉच की, नॉर्मल वॉच के मुकाबले। वैसे रेंज जो है चाइना की आइटम में 20 रुपये से शुरू जाती है, तो चाइल्ड वॉच होती है और उसके अलावा 50-60। तो चाइना कब? तो चाइना का खेल तो ख़त्म होने वाला है। चाइना का वायरस क्या आया, सारा खेल का ख़त्म हो गया है, बिजनेस बिगड़ गया। बिल्कुल। क्या भाई साहब? बिल्कुल सर, चाइना से माल खरीदने से लोग आजकल काफ़ी डर भी रहे हैं, क्योंकि ये वायरस भी चाइना से लोग कहते हैं आया है, तो इसके माल खरीदने से काफ़ी लोग डर रहे हैं इस टाइम। चाइना के माल, चाइना के माल की सेल काफ़ी कम हो गई है, बिल्कुल ना के बराबर हो गई है सेल। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि चाइना के माल की सेल कम हो गई है क्योंकि पब्लिक डर रही है कि ना छुए तो कोरोना अपने आप आ गया, अब अगर चाइना का माल ले लेंगे तो क्या होगा? लोगों के मन में डर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का माल लोग बेच रहे हैं, काफ़ी लोगों पे है माल, लोग बेच रहे हैं। वो पहले का माल होगा ना, जो पहले का माल लोगों पे स्टॉक है वो तो लोग बेचेंगे ही ना, क्या करेंगे। लेकिन ये सब अफवाह है, ऐसे चाइना के माल के अंदर कोई कोरोना वायरस नहीं है फिलहाल। चाइना के माल में नहीं है, बात सही है, वो तो एक इकोनॉमिक और मार्केट मार्केट भी। अच्छा अब ये बताइए वॉच, बताइए जरा वॉच के बारे में बताएं आप। वॉच सर ये 450 की है। अच्छा ये स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच को दिखाओ दे तो ब्लैक नजर आ रही है बिल्कुल, कोई तो खोलोगे? सर ऑन अभी है नहीं, इसमें बैटरी हमने निकाल रखा हुआ है। अच्छा हाँ बैटरी तो क्या डिजिटल वॉच है? नहीं सर कॉलिंग वॉच है, सिम वाली। अच्छा कॉलिंग वॉच है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है। अच्छा आपके मोबाइल कॉल पे कनेक्ट होती है। कितने की बताई आपने? ये सर 450 की है, 450 सस्ती भी है इसमें, ये 350 की है, 350 की भी है। हाँ जी 450 की, 350 रुपये की है, कॉलिंग वॉच है। यानी आप जो पुरानी फिल्मों में एक रॉबर्ट आया करता था, जॉइंट रॉबर्ट, बहुत कई साल पहले, खोलिए बात कीजिए और रख दीजिए,
तो एक ख़ास किस्म की एक फैंटेसी आती है, बच्चों में ज़्यादा होता है ये, उस तरह की ये वॉच है। चांदनी चौक में इस तरह के आइटम्स काफ़ी मिलेंगे। मिनिश के बारे में बताया, वॉच के बारे में बता दिया और कोविड 19 के बारे में भी। अब आगे चलते हैं, तो क्रेज चल रहा है। हाँ कुछ कह रहा, अच्छा बात है अपनी पूरी रखोगे, बात पूरी रखेगा भाई अपनी। हाँ क्रेज जो है अभी किसी का भी नहीं चल रहा, अभी सिर्फ कोरोना का है, अभी सिर्फ बातें चल रही हैं। हाँ जी हाँ जी, बाकी हम लोग सुबह मॉर्निंग में आए थे यहाँ पे 11 बजे, बोनी बट्टे अभी नहीं, कुछ नहीं है। नहीं बोनी तो हो गई होगी भाई, शाम के 5:30 बजे है, बोनी भी नहीं हुई है। सुबह 11 बजे से आए हुए भाई, यस लग नहीं रहा, आंखें बोल रही है कि झूठ बोल रहे हो। सच्ची बात, बिल्कुल बोनी नहीं हुई। इन्होंने इन्होंने जो कहा मैंने मान लिया, सर मार्केट में सिर्फ पांच शॉपकीपर है, कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, ओनली शॉपकीपर है। देखिए ये बिल्कुल सच्चाई ही बता रहे हैं, शॉपकीपर। हाँ बोलते जाइए, शॉपकीपर जाते हैं मार्केट में, कस्टमर नहीं है, शॉपकीपर से हम सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आ रहे हैं कि शॉप ओपन है तो चलो शॉप पे जाके बैठे, घर पे क्या करेंगे, बट मार्केट में कस्टमर नहीं है। एक माहौल बनाओ बनाने के लिए, चलिए एक माहौल बनाने के लिए। आप देख सकते हो कि इसमें कस्टमर वहाँ से यहाँ तक नहीं है, वरना अमूमन नॉर्मल डेज में सामान्य दिनों में यहाँ पर ये पूरा आइटम जो था वो खचाखच भरा हुआ करता था। देखिए भाई साहब भी घड़ी ठीक करने के लिए, क्यों भाई साहब दुकानदारी कुछ हो रही है नहीं हो रही तो घड़ियाँ सिर्फ दुकानदारों की ठीक कर रहे हैं। हाँ दुकानदारों की सही। अच्छा घड़ियाँ सिर्फ दुकानदारों की ठीक हो रही है क्योंकि बाहर से कोई आदमी आ ही नहीं रहा, तो जो आपस में ही काम हो रहा है तो चल रहा है। देखिए भाई साहब ने माइक भी रखे हुए हैं इनकी दुकान में, क्यों कुछ हुआ, सब ठंडा पड़ा हुआ है, पहने रहिए। 2000 रुपये बिके हुए हैं, 2000 रुपये 2000 की बोनी हुई है। देखिए एक भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुई, सुबह 11 बजे शाम के 5:30 भाई साहब कह रहे कि 2 से 2500 रुपये, यानी ठंडा बिल्कुल कुछ नहीं। आपकी स्पीकर की शॉप है क्या? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से पूरा इलेक्ट्रॉनिक एजेंट से सारा सारा इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा तो क्या क्या रेट है थोड़ा ये बता भी दो पब्लिक को। अलग अलग तरह के 130 रुपये से लेके 800-900 रुपये का आइटम था। यानी आपके ईयरफोन भी है, देखिए ये कॉर्डलेस भी ईयरफोन बॉस के भी रखे हुए हैं, क्या रेट रखा हुआ है इनका आपने? ये 650 रुपये का, 650 रुपये 650 रुपये का है। वैसे तो ऑनलाइन तो थोड़े से महंगा ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एजेट्स हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो इस तरीके के और स्पीकर्स भी हैं, तो देखिए दोनों ही बातें यहाँ पर हो रही हैं। आगे जो रेट थे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ साथ जो मार्केट का हाल कोविड 19 में यानी 2 महीने के बाद जो हालात बने हुए हैं वो भी बता रहा हूँ। भाई साहब बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, बहुत सीरियस मुझे बहुत देर से देख रहे हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, क्यों भाई साहब आज लगता है बोनी बट्टा हुआ नहीं है आज? बस एक घड़ी बेची है जी, बस एक घड़ी। हाँ जी हाँ, चलो यही बता दो कितने की बेची? 60 रुपये की बेची। 60 रुपये की, क्या बात है, पूरे दिन में 60 रुपये की भाई साहब की बिक्री हुई है। वैसे अमूमन जो 2 महीने पहले जो हालात बने हुए थे उसमें कितने की होती थी? उस टाइम काम था ना। अच्छा हाँ जी, 2-2.5 महीने पहले काम तो था, थोड़ा बहुत ही चलता था, आया गया। अच्छा, बाहर के ग्राहक आ रहे थे, काम होता था, सबका होता था ऐसे। अच्छा अब बिल्कुल लॉकडाउन के चक्कर में कोई आ नहीं रहा है ना, रास्ते बंद हैं। हाँ हाँ यही बात। अच्छा ना, अच्छा घड़ियों का बात है, थोड़ा सा रेट भी बता दीजिए आप सर। ये बता दीजिए वाली कितने की अच्छी लग रही है, स्मार्ट सी? ये 90 रुपये की है जी। अच्छा इसमें क्या खास बात है इस घड़ी में? ये मीटर वाली की, नंबर वाली घड़ी होती है, मीटर वाली। मीटर कैसे? नंबर आती है, नंबरिंग के साथ। हाँ जी हाँ, सही वाली नहीं होती। अच्छा चलिए देखिए, हमने आपको इधर क्योंकि वॉचेस के बारे में इधर बता दिया, आप कुछ और अंदर चलते हैं, सब बताते जा रहे हैं अपने। बिल्कुल अनकट वीडियो है ये, मैं आपको बताता हूँ, ये अनस्क्रिप्टेड होता है, कोई एडिट इसमें नहीं होता। जो आप बोलते हैं, जो पब्लिक बोलती है या जो हम बोलते हैं, वही सब आपको दिखाया जाता है, कुछ उसमें कट फट नहीं होता। ट्राईपॉड भी रखा हुआ है, क्या रेट रखा है इसका? 400 रुपये। ये तो दिख रहा है, बिके वगैरह बिक जाएगा ये, बिक जाएगा आराम से बिकेगा। अच्छा आज कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं इतना तो नहीं है, खराब हो रहा बस, इतना नहीं है अभी, टाइम लगेगा इस आइटम को आने में। ये लैपटॉप के लिए? हाँ ये लैपटॉप। क्या रेट है इसका? इसका 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़, 20 रुपये चलिए, मात्र 20 रुपये का है। इस तरह की जो शॉप हैं, आइटम्स हैं, देखिए अब क्योंकि सबके तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इन्हीं सब डिटेल्स जो है सारी बातें सब आपको एक एक करके दिखाता चलूं, लेकिन मोटे तौर पे आपको बताता हूं कि ये जो वॉचेज़ हैं, जो घड़ियों की ये मार्केट कहलाती है, और घड़ी की मार्केट के साथ साथ जो खिलौने की मार्केट है वो दोनों मिक्स है यहाँ पर, और एक से एक नायाब जो बेहतरीन डायल की वॉचेज़ हैं वो आपको इधर मिलेंगी। अब वो हैं तो सही सामने, लेकिन वो बिक रही है नहीं बिक रही, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी 2 महीने बाद खुली है, पब्लिक भी अभी नहीं आ रही, जो क्योंकि प्रायोरिटी अभी वॉचेस की नहीं है, प्रायोरिटी अभी किसी और चीज़ की है। चलिए सही बातचीत करते हैं। तो सर कुछ हो रही है दुकानदारी, कुछ चल रही है नहीं चल रही है, सब ठंडा पड़ा हुआ है? आइए 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 आइए, इधर आइए इधर आइए, जरा कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, चल पड़ रहा है कि नहीं? हल्का फुल्का तो चल ही रहा है। अच्छा अच्छा, तो अभी मार्केट कुछ ऑर्डर सभी आए कि नहीं? नहीं अभी कुछ नहीं है, सभी कुछ नहीं है, दुकानें आपने एक जून से खोलनी शुरू कर दी? जी हाँ जी। अच्छा
तो अभी क्या उम्मीद लग रही है आपको, कुछ हो रहा है, कुछ हो पाएगा आगे? सर उम्मीद तो, उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है। उस उम्मीद पर आप भी कायम हैं जी? अच्छा, सभी कायम है जी इस मामले में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अब अगर आए तो इनके रेट भी बता दें, क्या क्या रेट रखे हुए हैं। टूर आई डी एक्चुअली मेंशन है उस पर सब पे। अच्छा अच्छा, देखिए मैं बोल देता हूँ, टूर आई डी 290 रुपये, 190 रुपये और ये अच्छा 1790 की, थोड़ा सा आगे चलिए, रोमन डायल की है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छी लगेगी ये, 1790 की। और उससे ऊपर चले जाएंगे तो जो पीस भी है, और 290 की, 290, 490, 390, 790, अजंता 790। तो ये इस तरह का आप यहीं पर सेल कर रहे हो या ख़रीदार? यहीं पे काम कर रहे हैं। अच्छा, यहीं पे आप भी इधर काम करने वाले? कस्टमर हैं आप? तो सिर्फ घड़ी ही ख़रीदने आए दोस्त? हाँ, सिर्फ घड़ी खरीदने आए। अच्छा, तो क्या 2 महीने में घड़ी रुक गई थी आपकी? नहीं, अभी थोड़ा पेंटिंग वगैरह कराया ना, तो थोड़ा लोकेशन अच्छा, चेंज करना चाहते हैं। लॉकडाउन में पेंट वेंट हुआ है आपके घर में? हाँ जी पेंट। अरे बहुत सही, 2 महीने में, 2 महीने मतलब आपने सही इस्तेमाल कर लिया घर में। हाँ क्योंकि रहते रहते हो सकता है कि उससे ही सैनिटाइज ही करवा दे, पूरा का पूरा सैनिटाइज। अच्छा, अरे ये भाई साहब बढ़िया है, लॉकडाउन में पूरा सैनिटाइज भी हो गया, पेंट वाइट हो, सब कुछ हो गया, घड़ी भी नहीं आ गई, सब कुछ ना आया यार, बंदों को नहीं मत ले आना। नहीं नहीं, बंदे वही रहेंगे, बंदे। हाँ चलिए, नहीं अच्छा क्या, अच्छा क्या, ये भी एक सब कुछ अपने अपने तरीके से लोगों ने क्रिएटिव तरीके से जो काम करना चाहिए था वो सब तरीके से किया। चलिए अब आगे चलते हैं, खिलौना मार्केट को भी देखते हैं, क्योंकि उसकी भी एक अपनी यहाँ पर एक जलवा है, और वैसे तो चंद दुकानें हैं, सदर बाज़ार बड़ी मार्केट है इसकी, और भी चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कुछ खुली हैं या बंद है। चलिए, लेकिन हाँ देखिए पहले बता दो, इधर आप देखिए सन्नाटा, देखिए आप पूरा इस कॉरिडोर पे देखिए, भरी होती थी ये कॉरिडोर, अब बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है। घड़ी मार्केट है चांदनी चौक की, ये होल सेल मार्केट है, यहीं से सब लोग आते हैं ख़रीदने के लिए। चलिए अब दूसरी मार्केट में चलते हुए देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। आइए, उसके जो वॉश मार्केट के ठीक बराबर में खिलौना मार्केट है, सन्नाटा है, इधर बंद है, इधर शॉप्स बंद है, शॉप बंद है, इन सब में खिलौने की दुकानें सब हुआ करती थी। अब ये कुछ और दुकानें अंदर हैं, वैसे और बड़ी मार्केट सदर बाज़ार है, लेकिन चांदनी चौक की भी मार्केट अपने आप में कहलाती है। क्यों भाई साहब, दुकानदारी कुछ हो रही है कि नहीं? जब ठंडा है सब ठंडा है। वॉश में घड़ी वालों ने भी यही बोला, अब यहाँ पर खिलौने की दुकान पर आए तो भी यही है। सर काम कहाँ से होगा जब बॉर्डर ही सील है, कस्टमर कहाँ से आएगा? सबसे बड़ी बात, अब इधर का लोकल दिल्ली का कस्टमर कोई नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, जो भी व्यक्ति आते थे वो सब बाहर के आते थे? सब मोटा मोटी बाहर के आते हैं, नोएडा साइड के, यूपी साइड के, बाहर के साइड के, क्योंकि होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट है, इसलिए बाहर का देखिए आइटम रखा हुआ है। अगर कभी भी आना हो यहाँ का, ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे भारत में जो भी इसके प्रोग्राम को देख रहे हैं वो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। थोड़े से रेट भी बता दीजिए अब अगर इतनी सारी बातें आ गई हैं तो। अच्छा भाई साहब बताएंगे ये, क्योंकि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आप खुद लगाइए, आपकी अपनी चीज़ें हैं ये, और मेरे ख्याल से किसी ने एक अनब्रेकेबल आइटम होती है, जैसे कि ये आपकी फ्रिक्शन वाली कार होती है, ये 60 रुपीज़ की रेंज में होती है आपकी, ठीक है। और बताइए, और फिर इस टाइप के जैसे होता है आपका, और फिर इसके बाद ये वाली होती है जैसे अनब्रेकेबल आइटम होती है ये, मतलब कोई टूट फूट नहीं, कोई कुछ नहीं, ये इतनी अनब्रेकेबल है, ऊपर से नीचे गिरी और बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, सही रही। 80 रुपीज़ की रेंज में है, जैसे ये आपका फ्रिक्शन वाला हेलीकॉप्टर है, ये आता है 70 रुपीज़ की रेंज में होता है। सबके डिफरेंस रेट होते हैं, मेटल की जैसे ये 5 पीस कार का सेट होता है, 150-160 की रेंज में आते हैं, सब अलग अलग है। अच्छा, मतलब मोटे तौर पर 70-80 रुपये से लेकर 250-250 रुपये तक का आपके पास आइटम है। तो ये वही सारे आइटम थे, छोटे 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 बच्चों के, और बच्चों के देखिए पेंटिंग कलर ये सब यानी कि मिलते हैं ये। आइए अंदर चलते हैं आगे, देखिए खूब भीड़ होती थी, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर दिखा। चलिए इधर आइए, थोड़ा सा भाई साहब अगर इधर आ जाए तो। क्यों सर, कुछ चल रही है दुकानदारी के नहीं है? ठंडा पड़ा हुआ है? हाँ अच्छा, आज ये 1 तारीख से नहीं आ रहे थे नहीं सर, अभी आज ही दुकान खोली है, अभी ना तो ट्रांसपोर्ट है ना कोई आने जाने का, मतलब लोगों का वो है, जिसकी वजह से कोई भी दुकानदार अभी सेटिस्फाइड नहीं है। अभी तो आज अभी खुला है, अभी 5 बजे दुकान बंद करके चले जाएंगे घर को, सुबह से खाली बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है अभी। अच्छा नहीं, 5 तो बज चुके हैं वैसे, क्योंकि 6:45 बज रहे हैं अभी तो। अच्छा, तो अभी 7 बजे तक का टाइम है आपके पास? हाँ जी हाँ जी। अच्छा कुछ हुआ, कुछ बोनी मट्टा हुआ सुबह से? नहीं कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं, जब तक ये मेट्रो नहीं चलेगी तब तक काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब में, क्योंकि नेशनल हाईवे खुले तो हैं, लेकिन उसके साथ जो कनेक्टेड स्टेट हाईवेज हैं वो बंद हैं,
और अभी सिर्फ ऐलान हुआ है, तो जिस तरीके से बोला जा रहा था कि ए स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए आपको ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था और बताकर हम लोग खबर भी की थी, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाज़ियाबाद, दिल्ली फरीदाबाद सारे बॉर्डर सील हैं, तो इसलिए वहाँ से आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों भाई साहब, बच्चों के लिए खिलौने हैं, लॉकडाउन खुलते के साथ ही जिद कर रहे होंगे बच्चे। हाँ और क्या ले रहे हैं, थोड़े बहुत ले रहे हैं। पूरा वक्त गुजारा होगा आपने 2 महीने हाँ साथ में, और सारी डिमांड सब कुछ लिखा दी होगी आपको। सब लिखा दी। चलिए ये सब बातें कही थी, और देखिए टॉयज, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वैसे तो बड़ी मार्केट सदर बाजार है, लेकिन यहाँ पर भी रेट जो है उसी तकरीबन उसी तरीके से मिल जाएंगे। तो सर ये अगर ये कार ले हो कितने की पड़ेगी, ये इसका क्या रेट रखा हुआ है आपने, ये बच्चे बताए क्या रेट रखा हुआ है? हाँ 1050 एक रेट बता दो। और ये क्या? 550 और ये सामान, ये भी 550 नीचे 1050 ठीक है। और ये हेलीकॉप्टर 280 रुपये बॉल 250 रुपये। तो ये रेट देखिए आए हैं तो तभी काम होते हुए चले, जो रेट है वो भी आपको मालूम हो जाए, और जो स्थिति है दुकानदारों की वो भी मालूम हो जाए, और जो हालात हैं चांदनी चौक होलसेल मार्केट के वो भी आपको पता चल जाए। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपको सिचुएशन का अंदाज़ा आभास हो गया होगा, और दिल्ली के अलावा और जो बॉर्डर एरिया हैं NCR में, उन सब की रिपोर्टिंग हम आपको बेहतर तरीके से अपडेट कर रहे हैं और सब चीज़ें आपको बता रहे हैं। अब मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हरप्रीत सिंह को इजाज़त दीजिए, अगली बार किसी और मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।